बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के 17 विधानसभा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशियों अखिलेश मिश्रा के समर्थकों में अचानक मतदान समाप्त होने के बाद मारपीट हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला आजमगढ़ के सफरुद्दीन बूथ का, जहां चुनाव समाप्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू और उनके समर्थक और 17 विधानसभा के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के समर्थक आमने सामने आ गए। वहीं दोनों पक्षों के बीच कुछ मामूली कहासुनी के बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिस पर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगे और जमकर ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव बाल बाल बचे। वहीं सदर विधायक के एक समर्थक को सर में चोट आई है, जिसका उपचार कराया जा रहा है। अब इस मामले की पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि मौके पर पुलिस बल पहुंच गई है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका था। मतदान समाप्त होने के बाद दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में मारपीट हुई है, जिसकी जांच की जाएगी और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। सरफुद्दीनपुर बूथ है सदर विधानसभा का, पुलिस को यहाँ सूचना मिली थी कि दोनों प्रत्याशी जो सदर विधानसभा के हैं वो आमने सामने आ गए हैं। उनके समर्थकों के द्वारा आपस में मारपीट गाली गलौज की गई है। मैं और डीएम साहब मौके पर आए हैं, शांति व्यवस्था कायम है, पोलिंग का समय है वो खत्म हो चुका है और मौके पर कोई भीड़भाड़ किसी प्रकार की नहीं है। इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, वीडियोस भी हमारे पास कुछ हैं, उनके आधार पर आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि दोनों प्रत्याशियों के साथ कौन कौन उनके समर्थक थे, किस प्रकार से उनके द्वारा क्या घटना कारित की गई। जो भी इसमें शामिल होंगे पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और कठोर कार्रवाई करेगी, सभी को गिरफ्तार करके फर्जी मतदान मंत्री जी क्या कहना है इस बात को लेकर? मंत्री जी आपको क्या कहना है इस बात को लेकर? हाँ मंत्री जी आपके ऊपर हमला हुआ, क्या कहना है? पहले राज्य में थे, पहले मालूम हुआ। भैया दो मिनट जी, जी चलो आगे ले तो क्या।